अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सादरा ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ्लाइट अपडेट के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल है, सऊदी से इंडिया छुट्टी पे आया हूं, अब मुझे डायरेक्ट फ्लाइट लेकर सऊदी आना है, क्या ऑनलाइन फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर हम किसी ट्रैवल एजेंट से टिकट लेते हैं तो ये टिकट कितने का पड़ेगा और किस ऑफिस में हमें संपर्क करना चाहिए? जो लोग वाया दुबई होते हुए सऊदी आना चाहते हैं, उनका सवाल है कि हमें वाया दुबई होते हुए सऊदी आना है वाया बस या वाया फ्लाइट, तो ये पैकेज हमें कहाँ से लेना चाहिए और ये पैकेज कितने का? कुछ भाइयों का सवाल जॉब रिक्वायरमेंट को भी लेकर के है कि मुझे सऊदी आना है, क्या सऊदी का न्यू वीजा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, कुछ वीजा सऊदी का भी निकला है, कुछ कुवैत का भी है, कुछ दुबई का भी है। इसमें आपको जो वीजा अच्छा लगता है, जो आपको आप इन कैटेगरी के हैं, जो आपको वीजा पसंद है, आप ये वीजा ले सकते हैं। तो इन तीन कंट्री का भी इस वक्त वीजा निकला है। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, इन चीज को क्लियर करूंगा, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मुस्कान टूर एंड ट्रैवल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो लोग इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के, तो डायरेक्ट फ्लाइट जो इस वक्त चल रहा है वो डायरेक्ट फ्लाइट नॉर्मल फ्लाइट नहीं है, ये चार्टर्ड फ्लाइट है। जो चार्टर्ड फ्लाइट की टिकट है नेट पे अवेलेबल नहीं होता है, आप इस टिकट को ऑनलाइन सर्च मार के मेक माई ट्रिप या नेट पे या किसी भी एप्लीकेशन के जरिए इस टिकट को आप बुक नहीं कर सकते हैं। इस टिकट को बुक करने के लिए ये चार्टर्ड फ्लाइट है, आपको किसी ट्रैवल एजेंट पे जाके मिलना होगा, वो आपको ये फ्लाइट की जो टिकट है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो ये हमारे मुस्कान टूर एंड ट्रैवल है, ये इस वक्त इस टिकट को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तकरीबन 30,000 के आसपास इनका टिकट है, थोड़ा कम या ऊपर नीचे भी है, एक मैं रफली आइडिया बताया क्योंकि इससे पहले मेरे पास ये इसका लिस्ट आया था। तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप फोन करके आप डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको ऑफिस में जाना है, अगर आप ऑफिस नहीं भी जाते हैं तो ऑनलाइन आप व्हाट्सएप पे जो आपका पासपोर्ट है आप उसे सेंड कीजिए, वो डिटेल देख करके आपका टिकट बुक कर देगा। वापसी फिर आपको व्हाट्सएप पे आपको वो टिकट और उसके बाद जो अराइवल फॉर्म है एक दिन पहले वो आपको दे देगा। इस तरह से आप जाएंगे, आपको कहीं भी नहीं जाना, या ऑनलाइन आप सारा काम कर सकते हैं। आप मुस्कान टूर एंड ट्रैवल को कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट आपको लेने के लिए। बहुत से भाइयों का सवाल था कि वाया दुबई होते हुए मुझे सऊदी आना है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। वाया दुबई होते हुए सऊदी आने के लिए बहुत आसान और बहुत अच्छा रास्ता है। कुछ भाइयों का सवाल ऐसा भी है कि अगर हम वाया बस जाते हैं तो क्या हमें कोई दिक्कत है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आप वाया बस का पैकेज बिल्कुल ही ना लें। आप वाया बस का पैकेज ले लेते हैं, दुबई जाते हैं, दुबई में जाने के बाद आपको एजेंट कहता है कि वाया बस का जो आपने पैकेज लिया है ये 2 या 3 दिन आपको दुबई में स्टे करके आपको सऊदी एंट्री किया जाता, और इस वक्त बॉर्डर पे थोड़ा मसला चल रहा है तो आपको 14 दिन दुबई में स्टे करना होगा, इसके लिए आपको 20,000 रुपए अलग से देना होगा। तो खास करके इन चीज को देखते हुए आप वाया बस बिल्कुल ही पैकेज ना लें। आप वाया फ्लाइट लें तो वाया फ्लाइट आप बिल्कुल पैकेज ले सकते हैं। बहुत से भाइयों का सवाल था इन चीज को लेकर के, बहुत से एजेंट ऐसे हैं कि उनसे पैकेज लेते हैं, ले जाके दुबई में फंसा देता है, ये बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो आपने बिल्कुल सही सुना कि होता है, बहुत से ऐसे एजेंट है कि 2 पैसे बचाने के चक्कर में, बहुत से ऐसे भाई भी हैं कि 2 पैसे और बचाने के लालच में वो अपना आपको उस हिसाब से जाके फंस जाता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ही काम ना करें। ये है मुस्कान टूर एंड ट्रैवल के पास, इनके पास पैकेज है, आप इनसे ये पैकेज ले सकते हैं वाया दुबई होते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे ऐसे जानने वाले यार दोस्त भी थे, इनके जरिए आए हैं, बहुत अच्छा रहा। इनसे अगर आप पैकेज लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं है और बहुत आसान तरीके से आप पहुंच भी जाते हैं और कोई ऐसा मसला नहीं आएगा फूड को लेके, बेड स्पोर्ट्स को लेकर के, और भी जो कोरोना का जांच है दुबई में उसको लेकर के। तो बहुत सी ऐसी चीज है कि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कांटेक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पे दे दिया हूं। कुछ भाइयों का सवाल है कि मैंने फोन करता हूं तो रिस्पांस नहीं देता है, तो आप इसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉल आते हैं तो वो रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। अगर आप इसे व्हाट्सअप करेंगे तो टाइम मिलते ही ये आपको जवाब दे देगा व्हाट्सअप पे। जो इनकी कॉल करने की टाइमिंग है सुबह 9 से शाम के 5:30-6 बजे तक है, आप इस बीच इसे कॉल कर सकते हैं, ये आपको रिप्लाई देगा। कुछ भाई ऐसे हैं कि रात के 8 बजे 11 बजे फोन कर रहे हैं तो उस टाइम आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर आप करना ही चाहते हैं रात के 12 बजे भी, आप व्हाट्सएप पे आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेजें या डिटेल भेजें, जैसे उन्हें टाइम मिलेगा वो आपको रिप्लाई दे देगा। तो आप इस हिसाब से इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जो टूर मुस्कान टूर एंड ट्रैवल है ये बहुत ही गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड है और ये ट्रैवल एजेंसी, आप यहां से जाकर के आप अपना बुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट ये है उमरा का है, इससे पहले इनके पास उमरा का काम हुआ करता था और इस वक्त उमरा थोड़ा काम ढीला हो गया या थोड़ा स्लो हो गया, तो इस वजह से ये इस वक्त पैकेज दे रहे हैं। जो लोग अपने इंडिया में परेशान हैं ये उनकी हेल्प कर रहे हैं। कुछ भाइयों का सवाल था क्या सऊदी का न्यू वीजा इस वक्त निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो सऊदी का इस वक्त बिल्कुल न्यू वीजा निकल रहा है। इस वक्त जो सऊदी का न्यू वीजा निकला है, बहुत सी ऐसी कैटेगरी है, उस कैटेगरी का लिस्ट मैं आप लोगों को डिस्प्ले पे देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी कैटेगरी है न्यू वीजा का।
आपको जो समझ में आता है या अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप ये वीजा लेकर के आप आ सकते हैं। साथ ही एक और वीजा निकला है कुवैत के लिए, तो कुवैत का भी वीजा है, कुवैत के भी कम से कम 15-20 वीजा निकला है और हर कैटेगरी में है। और दुबई का भी वीजा निकला है, दुबई की डायरेक्ट एम्प्लॉय वीजा है और कुवैत का भी डायरेक्ट एम्प्लॉय वीजा है। और सऊदी में तो खैर विजिट वीजा से वर्क वीजा में कन्वर्ट नहीं होता है, अगर आपको यहाँ काम करने के लिए आना तो आपको डायरेक्ट वर्क वीजा में ही आना होगा। तो इसके लिए क्या है कि आप मुस्कान टूर एंड ट्रैवल को कॉन्टेक्ट कीजिए, यह आपको वीजा प्रोवाइड करवाएगा। बहुत आसान तरीके से आप इसके साथ आ सकते हैं, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, फोन पे ही आपको ये पूरा डिटेल समझा देगा कि आपको किस तरह से आना चाहिए और किस तरह से आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत से भाई इस वक्त हैं दुबई में आके फंस गए हैं, बहुत से ऐसे एजेंट हैं ला करके दुबई में फंसा देते हैं वाया बस के चक्कर में, बहुत सी ऐसी चीज। क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे यार दोस्त हैं, मेरे पास बहुत सी ऐसी वीडियो है, मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शो नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं, किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाना चाहिए और ना ही किसी के खिलाफ बोलना चाहिए। इसमें क्या है कि वो लोग आ तो गए हैं दुबई में, आने के बाद उसे बेड तक नहीं दिया गया है, एक गद्दे जमीन पे दे दिए हैं कि लेकर के वो बैठे हुए हैं सोए हुए हैं थोड़े कम पैकेज के चक्कर में। कोई पैकेज 80,000 का ले लिया, कोई 75 का ले लिया, कोई 90 का ले लिया, मतलब उस हिसाब से। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से पैकेज लेते हैं, आप सपोज करो कि एक एरिया में अगर 10 ट्रैवल एजेंट बैठे हैं तो 10 ट्रैवल एजेंट जो मेन जो ट्रैवल एजेंट है ये उन्हीं को पैकेज देता है, बीच में अपना कमीशन लेकर के वो घर बैठ जाते हैं, तो इनका ये सीन है। तो खास करके आप इन चीज को ध्यान दें, जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट है आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। तो ये मुस्कान टूर एंड ट्रैवल का नंबर है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज की क्वेरी के लिए। कुछ भाइयों का सवाल ये भी है क्या विजिट वीजा लेकर के हम सऊदी आकर के उसके बाद वर्क कर सकते हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल ही सीन नहीं है, यहाँ पे आपको वर्क पे ही आना होगा। जो लोग डायरेक्ट फ्लाइट लेना चाहते हैं उनके लिए खास और छोटा सा एक अपडेट और देना चाहूँगा कि जो आपका वैक्सीन लगा है सऊदी में फुल डोज, उसकी जो सर्टिफिकेट है सेहती एप्लीकेशन में, उसका एक डाउनलोड कॉपी चाहिए, उसके बाद एक इकामा की कॉपी चाहिए और RT-PCR टेस्ट तो आपको मालूम है कि वो कंपलसरी है, उसके बाद टिकट है, जो अराइवल फॉर्म है वो है, उनके अलावा जो आपका तबकलना है वो आपका वर्क करना चाहिए। ये जितने भी टर्म्स है ये सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइट के लिए है, अगर वाया अदर कंट्री होते हुए आप आते हैं तो आपकी वैक्सीन की सर्टिफिकेट है जो आपने सऊदी या इंडिया में लगाया है वो, उसके बाद तबकलना की कोई ज़रूरत नहीं है, सेहती की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका ID नहीं बना तो आप किस तरह से आएंगे। इसमें क्या है कि वाया अदर कंट्री आते हुए इसमें नए बंदे भी आ सकते हैं और पुराने बंदे भी आ सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल बताए हूँ तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जिस भी ट्रैवल ऑफिस से आप पैकेज ले रहे हैं पहले टर्म्स ऑफ कंडीशन देख लें कि वो ऑफिस रजिस्टर्ड है या नहीं है, जो रजिस्टर्ड है आप उसी से ये पैकेज लें, ज़्यादा अच्छा रहे।